फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप मेरा थंबनेल देखेंगे, उसमें लिखा हुआ पैसा छापने वाला इंडिकेटर, गर्लफ्रेंड को अब जी भर गिफ्ट दो। तो दो यार, क्या पड़ा है, कमाओ जी भर के। मैं तो हूं आपको बताने वाला कैसे कमाएंगे, कैसे आप उनको खुश रखेंगे। बहुत ही स्मार्ट एक इंडिकेटर मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। जितने बिगनर्स हैं, जितने नए ट्रेडर्स कम्युनिटी में, नए ट्रेडर्स आए हुए हैं, प्लस ये इंडिकेटर्स इवन कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको देख करके अपना डेली बेसिस का कुछ इनकम कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करें इसको। कैसे आप इसको कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि ये इंडिकेटर्स के नाम क्या है। इसमें एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जो सीपीआर है, ये सभी जानते हैं ट्रेडर्स कम्युनिटी में। बट दो इंडिकेटर्स मैं दिया हूँ, ये नॉन रिपेंट इंडिकेटर्स है, जिसमें बाय बाय एंड सेल का सिग्नल जो प्रोवाइड कर रहा है। ये सिग्नल एक बार देने के बाद फिर हटता नहीं है। और दोस्तों, इसका लॉजिक बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है। आप जितना स्मार्टली यूटिलाइज करेंगे, आप उतना ही पैसा कमाएंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका लॉजिक फ्रेंड्स है कि अगर मान लीजिए कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनती है, और ये नीचे का जो हिस्टोग्राम, जो जीरो लेवल है, ये भी ग्रीन बनता है, प्लस ये जो लाइन है, ये मेरा फर्स्ट इंडिकेटर है सीपीआर। सेकंड इंडिकेटर का नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, और थर्ड इंडिकेटर का भी नाम नहीं बताऊंगा। ये नाम मैं तभी बताऊंगा, लॉजिक इसका प्रोसेस मैं तभी बताऊंगा, और नाम तभी बताऊंगा जब आप मुझे अच्छे से इसके ऊपर में अपना अपना प्यार देंगे, कमेंट देंगे, लाइक्स देंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। तो ही दोस्तों, मैं इस इंडिकेटर, सेकेंड और थर्ड इंडिकेटर का मैं नाम बताऊंगा। इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये ऐसा इंडिकेटर है जो आपको कहाँ पे मार्केट में लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, पोजीशन अगर आपका बनाने का मन है तो कहाँ आपको मार्केट में एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, ये दोस्तों इंडिकेटर बताएगा आपको। कहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, वो उस पोजिशन को आपको लेने से बचाएगा जहाँ आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसका मैं बताता हूँ कैसे ये स्टार्ट कर सकते हैं इसको अपने ट्रेडिंग में, और इसको प्रैक्टिस में कैसे आप ला सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई कैंडल ग्रीन बनती है, अगर कोई कैंडल ग्रीन बनती है, नीचे का जो आपका हिस्टोग्राम वो भी ग्रीन बनता है, प्लस ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन, ये दोस्तों अगर ग्रीन लाइन के साथ में ऊपर में बनता है, जीरो लाइन के ऊपर में बनता है, तो दोस्तों आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं फॉर सी साइड। दोस्तों, अगर मैं दिखाऊं आपको कि यहां पर अगर आप एंट्री किए होते इस लॉजिक के हिसाब से इंडिकेटर का, तो आप दोस्तों अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल आप छोड़ दीजिए 5 मिनट्स का, अगर आप देख रहे हैं कि मेरा हिस्टोग्राम में जो ये जो सिग्नल है वो ग्रीन है, ब्लू लाइन ब्लैक लाइन आपका हिस्टोग्राम के साथ में जीरो, ग्रीन के साथ में और जीरो जो लेवल है उसके ऊपर में है, प्लस मेरा ये जो सिग्नल जो बन रहा है लाइन का, ये ग्रीन है, तो आप यहाँ पर दोस्तों आराम से, जब ये रिट्रेस कर रहा है R2 का लेवल के ऊपर में, रेसिस्टेंस R2 जिसको बोल रहे हैं, आप यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं फॉर आप स्कैल्पिंग के लिए। देखिए 100 दोस्तों 120 यहाँ पर पॉइंट्स मिल गए आपको। आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा है, आप निकलिए अपना गर्लफ्रेंड का जो दिया हुआ मेरा थंबनेल में, आप पैसा निकल गया आपका, ले जाकर गिफ्ट दीजिए उसे, खुश करिए, है ना दोस्तों। तो ये मैं आपको दोस्तों दिखा दिया कि कैसे आप कर सकते हैं, इस इंडिकेटर के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं, और कहाँ पर दोस्तों आपको नहीं एंटर करना है। जो आप पैसा कमाए हैं गर्लफ्रेंड के लिए, दोस्तों आप अगर चाहेंगे कि दिन में हर बार मार्केट में एंट्री करें और पैसा कमाते रहें, तो ये पैसा छापने की मशीन तभी काम करेगी जब आप उसको लॉजिक और सिस्टम के हिसाब से आप एंटर करेंगे मार्केट में। दोस्तों, ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है ग्रे आपका कैंडल्स, ग्रे कैंडल्स इसका मतलब हो गया कि मार्केट में आपका यहाँ पर ना बायर है ना सेलर है,
ये आपको यहाँ पर मार्केट क्या करे, ग्रीड आप में फंसाना चाह रहा है कि आप मार्केट में एंट्री करें और आपका एसएल पॉइंट लेकर के वो मार्केट अपना डायरेक्शन में मूव करे। तो ऐसा जब दोस्तों यहाँ ग्रे कैंडल्स बनने लगे, प्लस ये हिस्टोग्राम में जो आपका जो जो लाइंस है वो आपका ग्रे बनने लगे, प्लस ब्लू लाइन और आपका ये ब्लैक लाइन ये आपका जीरो लाइन के ऊपर में रहे, ये ग्रे बनने लगे, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि यहां पर आपको मार्केट में एंट्री करने के लिए अवॉइड करना है। सिमिलर दोस्तों आप मान लीजिए यहां से यहां तक एंट्री आप नहीं किए, यहां से यहां तक एंट्री नहीं किए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, ये दोस्तों एरिया हो गया आपका नो एंट्री जोन, यहां से यहां तक ये दोस्तों आपका नो एंट्री जोन हो गया। कैसे नो एंट्री जोन हो गया दोस्तों, क्योंकि आप देखिए दोस्तों यहां पर जो है ये ग्रे कैंडल्स बन रही है, प्लस आपका हिस्टोग्राम का जो लाइंस है वो भी ग्रे है, तो आप सिंपली अवॉइड करेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आंख बंद कर आपको पता है कि हमको यहाँ एंट्री नहीं करनी, कोई ब्रेन नहीं लगाए दोस्तों, जितना ब्रेन लगाएंगे उतना फंसेंगे, इसमें आपको ब्रेन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस आप देखिए दोस्तों जब यहाँ ग्रीन कैंडल बनने लगा तो आप देखिए कि नीचे में भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये हिस्टोग्राम में देखिए दोस्तों यहाँ जो है आपका ये ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गया, यहां पर कैंडल भी ग्रीन बनने लगा दोस्तों, और यहां पर आपका हिस्टोग्राम के ऊपर में ये जो लाइन है वो भी ग्रीन होने लगी। इसका मतलब दोस्तों कि आपको पोजीशन मिल गया, अगेन गर्लफ्रेंड को कमा करके गिफ्ट देने का आपका यहाँ पर पॉइंट मिल गया। आप ग्रीन जैसे ही फाइव कैंडल थ्री, अच्छा दोस्तों मैं बता दूं ये 3 मिनट्स कैंडल की स्ट्रेटेजी है, 3 मिनट्स में फर्स्ट कैंडल बन गया दोस्तों, सेकंड कैंडल में आपको एंट्री करनी है, आप अपने एपेटाइट के हिसाब से आप वेट कर सकते हैं। ये अगर मान लीजिए यहाँ पर सिग्नल दे रहा तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है R3 लेवल, R3 लेवल पर गया भी है दोस्तों, आप अगर देखें ये यहाँ से अगर आप पॉइंट करें तो ये R3 लेवल पर गया भी है दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 110 पॉइंट यहाँ मिल गया। तो और किसी दोस्तों इसमें तो गर्लफ्रेंड को आपको कंटिन्यू खुश रख सकते हैं, क्या क्या गिफ्ट लेंगे दोस्तों आप लिस्ट में बना लीजिए कि आपको ये लेना है ये लेना है ये लेना है ये लेना है, ताकि कभी गर्लफ्रेंड आपसे रूठे ही नहीं है दोस्तों, ये मजाक की बात में बोल दिया। अच्छा अब आइए दोस्तों, ये अपना 31st का जो अपना मार्केट जो हुआ था ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसका मैं आपके उसके हिसाब से बताया कि आप 2 बार यहाँ पर आपको पैसा कमाने का मौका मिला। सुनो फ्रेंड्स मैं आपको 29th को दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एकदम सेटअप भी था परफेक्ट बना, आपको मार्केट ने बाई दे दिया, बाय देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका हिस्टोग्राम के ऊपर में आपको ग्रीन कैंडल बन गया, ग्रीन लाइन बन गया ठीक है, और ये ग्रीन यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर लाइन बन गया सेकंड इंडिकेटर का, थर्ड इंडिकेटर में आपका ब्लू लाइन ब्लैक लाइन और ये ग्रीन लाइन ये तीनों 0 लेवल के ऊपर में है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ अच्छा दूसरा है दोस्तों कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया ऑलरेडी 3 मिनट्स में, तो आपको कितना मिला प्यारे दोस्तों देखो ये 168 पॉइंट्स मिल गया आपको, 168 पॉइंट्स मतलब समझते हैं दोस्तों करीब करीब एटलीस्ट आप समझिए कि आपको मोर देन 100 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स मोर देन करीब आप पकड़ लिए, 100 पॉइंट्स मिल गया है यहाँ पे। तो अगर एक लॉट आप लेते हैं दोस्तों कि कितना आपको बना 2500 रुपया, और क्या चाहिए मेरे दियार, कमाओ जी भर के कमाओ, मैं तो भाइया बैठा हूँ आपका यहाँ पर देने के लिए, जो भी मेरे पास रहेगा देंगे आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको यहाँ जो है हिस्टोग्राम जो है ये 0 लाइन के ऊपर में चल रहा है, यहाँ पर आपका ग्रे सिग्नल था, यहाँ पर आपको ढूंढना नहीं था, यहाँ जैसे ही ये बना आपका 0 लाइन के ऊपर में चला गया, ग्रे कैंडल बनना चालू हो गया, यहाँ वी वैप भी है देखिए वी वैप का सब, ये ब्लैक लाइन जो है वी वैप है, ये ब्लू लाइन जो है वो आपका SMA 20 है, ये इसके ऊपर में देखिए दोस्तों यहाँ पर आया और ये वी वैप के ऊपर सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बन गया। अगर मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूं तो मैं यहीं पे एंट्री करूंगा, क्योंकि VWAP और 20 SMA 20 के ऊपर में कैंडल सपोर्ट ले रहा है, मैं यहीं सिंपल एंट्री करूंगा आंख बंद करके फॉर द टारगेट ऑफ R2, ये रेसिस्टेंस लेवल R2 है जहां पर 73 पॉइंट्स मिल रहा है आपको, और कैसे दोस्तों यहाँ पर 30 पॉइंट्स आपको मिल गया अप्रोक्स, नथिंग लाइक इट। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कहाँ एंट्री कर सकते हैं, आप हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपका 0 लाइन के नीचे में चला गया है, ये जो सिग्नल्स हैं रेड बन गए हैं यहाँ पर लाइन्स, ये आपको ब्लू लाइन भी नीचे नीचे आ गया है, ये लाइन भी रेड हो गई है आपकी सेकंड इंडिकेटर की, लेकिन
फ्रेंड्स आप एंट्री आप नहीं करेंगे जब आपको शेयर सपोर्ट का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, आप मार्केट में आए हुए हैं तो कुछ आइडिया जरूर अपने पास रखें। ये देखिए यहाँ पर R1 जो लेवल है इसका जस्ट सपोर्ट यहीं पर है, ठीक है। अगर इसको तोड़ते हैं तो जस्ट बगल में आपका प्रीवियस डे हाई है, आपको पॉइंट्स मिलने से रहा यहाँ पर। तो दोस्तों इतना आपको थोड़ा सा बीसी घड़ियां रखनी चाहिए कि कहाँ पर मुझे एंट्री करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मार्केट यहाँ पर ग्रे जोन हो गया। ग्रे जोन का मतलब क्या दोस्तों, मैं क्या सिखाया आपको, ये एरिया को टोटली आपको इस टाइम पर आप ना चाय मंगा लीजिए गरम गरम और पकौड़े के साथ खाइए, मस्त अपना ट्रेडिंग को बनाइए और होल्ड करिए कुछ देर के लिए, आराम से बैठिए, ब्रेन को शांत रखिए। दोस्तों जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनना चालू हुआ, आप देखिए नीचे यहाँ ग्रीन कैंडल बन गया, आप इमीडिएट अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ ढूक सकते हैं, कोई इसमें आपको प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है और आप पैसा कमाने और छापने की मशीन है। दोस्तों सिमिलर आप देखिए यहाँ पर दोस्तों ये ऑलरेडी जीरो लाइन के नीचे में यहाँ पर आया हुआ है इंडिकेटर, ये लाइन एक बार मैं आपको दिखाऊं वापस, एक बार दोस्तों होल्ड करिए प्लीज। हाँ दोस्तों ये देखिए वी वाइप के नीचे आ गई है ये रेड कैंडल, ये ऑलरेडी आपको जीरो लाइन के नीचे में है, ये रेड कैंडल यहाँ भी बना हुआ है, ये जो सेकेंड इंडिकेटर का जो कलर है वो भी रेड हो गया है। आप सिंपल दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 500 को लेवल को ब्रेक किया, साइकोलॉजिकल नंबर भी है 500 दोस्तों, अगर ये तोड़ दिया है फिर ये रिटेस्ट के लिए गया है दोस्तों। आप देखिए आप यहाँ सिंपली कुछ पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप देखिए फिर भी आपको यहाँ पर 95 पॉइंट्स मिले अगर एक इंडिकेटर के हिसाब से ले तो। यहाँ भी आपको गर्लफ्रेंड को पैसा कमाने का मौका मैंने दिया, मेरे इंडिकेटर ने दिया। सिमिलर दोस्तों यहाँ पर भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ एंट्री अवॉइड करूँ क्योंकि ये आपका फंसा हुआ है CPR का जोन में, CPR जोन इटसेल्फ इज अ रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर मैं मार्केट सस्टेन हो जाता है तो आप रुक सकते हैं, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और नहीं तो आप थोड़ा वेट करें। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो गए हैं, हिस्टोग्राम के ऊपर में ऑलरेडी ये ग्रीन बन गया है, आपका कैंडल भी सेकंड इंडिकेटर का ग्रीन चल रहा है। तो जैसे ही ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया, ये इस कैंडल का बात कर रहे दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ नहीं तो आप कहेंगे कि जहां तहां दिखा कर निकल गए, मैं इस कैंडल का बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर इस कैंडल में भी आप एंट्री करें, जैसे सब यहाँ पर सपोर्ट लेके खड़ा हो गया, मार्केट स्टैंड सपोर्ट लेके यहाँ रुक गया, आप यहाँ अप्रोक्स दोस्तों देखिए अगर यहाँ गया है 82 पॉइंट्स, हालांकि नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए था आपका ये R1 लेवल, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं मूव किया, लेकिन जितना ही मूव किया 85 पॉइंट देके गया, मतलब अगर इसको इस ऑप्शन में बात करें दोस्तों तो आपको कम से कम 50% मार्क्स 40% देके गया यहाँ पर पॉइंट्स। सुनो दोस्तों अब कहीं कभी मैं आपको दिखा दूँ, वीडियो बहुत बड़ी और बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे कि बहुत बड़ा हो गया, आप देखेंगे मेरी मेरा वीडियो तो आप लोगों को बहुत खराब लगेगा दोस्तों, इस कारण से मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ देख लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूरा मार्केट ग्रे है, आप एंट्री से बचेंगे, यहाँ जैसे ही सिग्नल दिया दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल दिया, यहाँ पर ये गया दोस्तों, आप यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए आपका SL भी हिट नहीं हुआ होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ एंट्री करें, अगर ये मार्केट यहाँ पर आया है तो मात्र 33 पॉइंट यहाँ शो कर रहा है दोस्तों, आप देखिए 33 पॉइंट मतलब ऑप्शन में दोस्तों मात्र 15 पॉइंट्स, और आपको दिया कितना दोस्तों, अगर यहाँ पर एंट्री करें तो यहाँ पर दोस्तों दिया आपको 125 पॉइंट 125 पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ पर मार्केट ने और इंडिकेटर ने आपको कॉल दिया, कितना पैसा कमाएंगे गर्लफ्रेंड के लिए दोस्तों, जितना कमाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना खर्चा करिए, आज खर्चा करेंगे कल बनेगा। यहाँ दोस्तों देखिए मार्केट ने आपको यहाँ सेल दे दिया, मार्केट ने यहाँ पर सेल दिया दोस्तों, आप यहाँ भी आराम से अग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट CPR 93 पॉइंट्स मिला आपको, CPR लेवल दोस्तों यहाँ पर तोड़ दिया, CPR के नीचे मार्केट सस्टेन कर गया, यहाँ पर आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं फॉर S1 लेवल मतलब 78 पॉइंट्स दोस्तों मिल गया आपको, यहाँ पर भी मिला। नेक्स्ट आप टारगेट ले सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉल कहाँ ले सकते हैं आप, देखिए ये प्रीवियस डे लो और S1 ये दोनों को मार्केट तोड़कर यहाँ सस्टेन कर गया, जैसे ही नीचे सस्टेन कर गया दोस्तों ये थोड़ा सा रिट्रेस किया, आप यहाँ आराम से आंख बंद करके एंट्री करिए, आपको सब सपोर्ट मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, ये सिंगल सपोर्ट दे रहा है आपको, ये रेड लाइन जो है इंडिकेटर सेकंड इंडिकेटर रेड लाइन हो गया है, प्लस आपका ये S1 और प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट सस्टेन किया है, आप नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा कौन सा S2,
104 पॉइंट्स। दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है, इसके थ्रू आप बहुत ही, आप कहते हैं ना कि जैसे सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो आपके हाथ में नोट छापने की मशीन है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और आप अगर इस वीडियो को प्यार देते हैं, कमेंट देते हैं, लाइक्स देते हैं, शेयर करते हैं और मुझे अच्छे कमेंट्स आते हैं दोस्तों, तो मैं बताऊंगा इस इंडिकेटर्स का नाम, और ये ऐसे सारे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये आपका प्यार, आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों इस इंडिकेटर्स के पीछे बनाने का, देखने का, बनाता तो नहीं दोस्तों मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हाँ ये मैं एक एक चीज में खोजता हूँ बहुत, ताकि ये चीज किस तरह से मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी दोस्तों को मैं अपने हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों प्यार दीजिए और मेरे चैनल को लाइक्स करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं दोस्तों आपके पास पहले पहुंचे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।